हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप मुझे यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर आपसे जुड़ा हूँ और आज हम यहाँ पर आपके साथ जुड़े हैं स्पेशल टॉपिक लेकर जो कि आपका इम्पोर्टेंट होगा जीआईएससी प्रवक्ता के लिए, या फिर आपको मान सकते हैं इसे यूजीसी नेट में आपको इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसमें जो टॉपिक है आपको, ये राजनीति सिद्धांत क्या है। तो आज सबसे पहले हम राजनीति सिद्धांत क्या है, इसका बाकी सब्जेक्ट से क्या रिलेशंस है, उनमें मीनिंग क्या है, इसका साइकोलॉजी से क्या रिलेशन है, हिस्ट्री से क्या रिलेशन है, ज्योग्राफी से क्या रिलेशन है, तो इनके आसपास जो जुड़े हुए सब्जेक्ट है इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करते हैं, उससे पहले पढ़ते हैं, यहाँ पर ये लेक्चर 2 है। तो ठीक है, अब लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ पर तेजेंद्र सिंह और असिस्टेंट प्रोफेसर PG 3 सब्जेक्ट में क्वालिफाई हूँ, और इसके अलावा मैंने यहाँ पर आपके यूजीसी नेट का एग्जाम दिया है, वो भी क्वालिफाई किया है, तो साथ साथ कॉलेज में भी पढ़ाता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को बढ़ाते हैं आगे और चलते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं यहाँ पर हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे राजनीति सिद्धांत क्या है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे, राजनीति सिद्धांत के बारे में जानेंगे और इस क्या है और सिद्धांत की परिभाषा क्या है, तो इसके बारे में जानेंगे, राजनीति सिद्धांत की प्रकृति क्या है इनके बारे में जानेंगे, और राजनीति सिद्धांत इतिहास के रूप में जानेंगे कि इतिहास के रूप में कैसे वर्क करता है, राजनीति सिद्धांत दर्शन के रूप में कैसे वर्क करता है, और राजनीति सिद्धांत विज्ञान के रूप में कैसे, तो ये जानेंगे, प्लस इसके विकास के बारे में जानेंगे, उत्पत्ति जानेंगे इसकी कैसे हुई है और विकास जो इसका हुआ है, क्लासिकल राजनीति सिद्धांत क्या है, इसका आधुनिक सिद्धांत क्या है, समकालीन सिद्धांत क्या है, क्योंकि इसका जो विकास होता है वो 3 परिप्रेक्ष्य में होता है, तो उनको यहाँ पर देखेंगे, पढ़ेंगे थोड़ा सा। राजनीति सिद्धांत क्यों करते हैं इसका हम देखेंगे, और राजनीति सिद्धांत का यहाँ पर हम लोग इसके कार्य देखेंगे और इसके महत्व के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, पहले से ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो सिद्धांत क्या है, तो इसे हम लोग जानेंगे तो इसे पता चलेगा। राजनीति सिद्धांत राजनीतिक संबंधी राजनीतिक विषय कोई परिकल्पना मात्र नहीं है, यह राजनीति का विज्ञान और राजनीति का तत्व ज्ञान है। मतलब क्या है, ये राजनीति विज्ञान और राजनीति का तत्व ज्ञान है। जो राजनीति सिद्धांत है, जब हम बात करते हैं तो राजनीति के बारे में, पॉलिटिकल साइंस का जब हम बात करते हैं, पॉलिटिकल का एक साइंस है और एक तत्व ज्ञान है, मतलब इसके जो एलिमेंट्स है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। ब्लुहेन भी इसे कहते हैं, उन्होंने कहा कि एक परिकल्पना के रूप में है, एक इमेजिनेशन के रूप में है, और राजनीति सिद्धांत राजनीति व्यवस्था का एक अमूर्त आदर्श है। कैसा है, अमूर्त आदर्श है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, अमूर्त उसे कहते हैं। तो उसी तरीके से राजनीति भी क्या है, अमूर्त आदर्श है, जिसे हम लोग बस अपने मस्तिष्क में, दिमाग में सोच सकते हैं। राजनीति आंकड़ों के क्रमबद्ध संग्रह एवं विश्लेषण हेतु परिदर्शक का प्रतीक है। मतलब यहाँ पर राजनीति के जो आंकड़े होते हैं उनका जो क्रमबद्ध संग्रह किया जाता है, फिर उनका विश्लेषण किया जाता है, यही क्या है हमारा, यही एक हमारे राजनीति सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। मतलब आंकड़ों को एकत्र करना और फिर उनका एकत्र करके क्रमबद्ध रूप से जो संग्रहण किया जाता है उनका विश्लेषण करना ही क्या कहलाता है, राजनीति सिद्धांत कहलाता है। एंड्रयू हैकर भी इसी तरीके से कहते हैं, इस दृष्टिकोण को विस्तार देते हुए कहते हैं कि राजनीति सिद्धांत एक परिकल्पना के रूप में अभी शब्दों में अनासक्त और निष्पक्ष है। मतलब यहाँ पर ये भी क्या कहते हैं, एक परिकल्पना के रूप में इसको बताते हैं। विज्ञान के रूप में यह अव्यक्त और सुस्पष्ट रूप से उस बात पर निर्णय देने का प्रयास प्रयास किए बगैर राजनीति सत्यता को अंकित करेगा जिसका वर्णन किया जा रहा है। तत्व ज्ञान के रूप में यदि बात करते, आचरण के उन नियमों का वर्णन करेगा जो समाज में सभी के लिए उत्तम जीवन सुनिश्चित करते हैं। मतलब विज्ञान के रूप में ऐसी सत्ता को खोजते हैं जिनको हम लोग यहाँ पर अंकित किया जा सकता है और इनका वर्णन किया जा सकता है, और तत्व ज्ञान के रूप में वो एक आचरण के रूप में या एक सभ्यता के रूप में जो कि समाज को एक अच्छे जीवन जीने योग्य बनाते हैं, जीवन सुनिश्चित करता है। कहाँ पर इसका वर्णन, पॉलिटिकल थ्योरी, फिलोसफी, आइडियोलॉजी, साइंस में इसका वर्णन किया गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते, सिद्धांत क्या है, राजनीति सिद्धांत क्या है, यदि बात करें तो एक परिकल्पना है, क्या है परिकल्पना है, राजनीति क्या है का एक विज्ञान और तत्व ज्ञान है, तो दोनों ही ध्यान रखना है यहाँ पर, विज्ञान और तत्व ज्ञान के रूप में इसे हम लोग जानते हैं। जॉर्ज सेबिंग कहते हैं यहाँ पर, यह राजनीति विज्ञान विषय का अथवा राजनीति विज्ञान संगत कुछ भी चीज है ना। दूसरा यदि हम बात करें परिमित अर्थ में, यदि इसका देखें, राजनीति समस्याओं का शासित अन्वेषण है, मतलब जितने भी हमारी जो पॉलिटिकल समस्याएं हैं, जो भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनका जब हम लोग एक
आदर्श रूप में अन्वेषण करते हैं, रिसर्च करते हैं या फिर उनके बारे में तत्व ज्ञान करने का प्रयास करते हैं, तो वो क्या है, हमारा राजनीति सिद्धांत है। कहां पर इसका वर्णन किया गया, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में इसका वर्णन किया गया। इसी तरीके से कुछ यहाँ पर डेविड हेल भी कहते हैं राजनीति सिद्धांत को इस रूप में परिभाषित करते हैं कि राजनीति जीवन विषयक संकल्पना और सामान्यकरणों का एक तंत्र है जिसमें सरकार, राज्य, समाज की प्रकृति, उद्देश्य वे मुख्य विलक्षण विषय के मनुष्य के राजनीतिक क्षमताओं एवं विषयक विचार कल्पना एवं उक्तियां होती है। मतलब यहाँ पर ऐसी सामान्यकरण तंत्र माना जाता है राजनीति सिद्धांत को, जहां पर राजनीति के बारे में जिसमें सरकार के, राज्य के, समाज की, उनकी प्रकृति, उनके उद्देश्य, उनके लक्षण, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में, प्लस मनुष्य की राजनीतिक क्षमताएं क्या हो सकती हैं, उनके विचार कल्पनाएं और उक्तियां पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तो राजनीति सिद्धांत समझ में आया थोड़ा सा, कि राजनीति सिद्धांत में जिस प्रकार से राजनीति के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं उसी प्रकार से राजनीति सिद्धांत में भी करते हैं, कि इसमें हमारा जो राजनीतिक तंत्र है, सरकार है, राज्य है, समाज की प्रकृति, उनके उद्देश्य क्या है, तो उनके बारे में कल्पना करना तथा उनके बारे में सोचना समझना तथा उनकी जितनी भी सारी रचनाएं हम लोग देखते हैं तो वो कहाँ पाई जाती है, पॉलिटिकल सिद्धांत में पाई जाती है, फिर राजनीति सिद्धांत में हम लोग देखते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस डिक्शनरी में भी यहाँ पर बताया गया है, वह विचार संकलन जो राजनीति दृश्य घटना का मूल्यांकन करने, उसको स्पष्ट करने में उसका पूर्वानुमान करने का प्रयास करता है। मतलब यहाँ पर यदि बात करें राजनीति सिद्धांत की, राजनीति सिद्धांत क्या है, वह विचार संकलन जो राजनीति दृश्य घटना, मतलब जो हमारी राजनीति के बारे में, जो राजनीति पॉलिटिक्स के बारे में दृश्य घटना क्या घटना घटी है, किस तरीके से उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, उसको स्पष्ट करने कि वो घटी वो घटना तथा उसका पूर्व अनुमान लगाने कि कोई घटना घटने वाली है या फिर होने वाली थी, उसके बारे में पहले से अनुमान लगाने का प्रयास है। ठीक है, फ्यूचर टेलिंग करने का एक प्रयास किया जाता है पॉलिटिकल सिद्धांत में, है ना, थोड़ा आपको क्लियर होगा। तो आप भी देखते हो कि भाई यदि हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, आजकल टीवी चैनल पर भी आप देख रहे हो, फोरकास्टिंग कर देते हैं पहले से कि भाई इस पार्टी की इतनी सीट आएगी, उस पार्टी को इतनी सीट मिलेगी वहां पर, तो ये कैसे किया जाता है फोरकास्टिंग कैसे, उसी तरीके से तो यहाँ पर हमारे जो पॉलिटिकल सिद्धांत है, राजनीति सिद्धांत है, राजनीति के बारे में पूर्वानुमान लगा लिया जाता है, तो ये वही प्रक्रिया है। तो इसी प्रकार से राजनीति विज्ञान के उप क्षेत्र के रूप में यह राजनीति विचारों, मूल्य, संकल्पना तथा राजनीति व्यवहार के पूर्वानुमान अनुमान संबंधी स्पष्टीकरण से संबंध रखते हैं। तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर राजनीति विज्ञान के रूप में ये क्या करता है, उसके जो विचार होते हैं, जो उसके मूल्य होते हैं और जो उसकी संकल्पनाएं होती है और जो राजनीति व्यवहार होता है, जो बिहेवियर होते हैं, उनका पूर्वानुमान और स्पष्टीकरण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यदि हम बात करें यहाँ पर विस्तृत अर्थ में इसके दो शाखाओं के रूप में इसे अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ब्रॉड रूप में यदि हम बात करें तो इसकी टू शाखा है, टू ब्रांचेस है, तो एक अपने मूल्य के रूप में, दूसरा यहाँ पर पहली बात करें फर्स्ट रूप में अपने मूल्य विश्लेषणात्मक ऐतिहासिक व काल्पनिक महत्व के साथ साथ राजनीतिक तत्व ज्ञान अथवा प्रासंगिक सिद्धांत। मतलब यहाँ पर ये मूल्यों के विश्लेषणात्मक और ऐतिहासिक व काल्पनिक महत्व के साथ साथ राजनीति तत्व ज्ञान के रूप में इसका वर्णन किया। दूसरा यदि बात करें यहाँ पर दूसरी शाखा के रूप में, तो दुर्बोध प्रतिरूपों वे वैज्ञानिक रूप से प्रेक्षणीय प्रस्थापनाओं के निरूपण के माध्यम से ज्ञान को स्पष्ट करने, पूर्वानुमान करने, मार्गदर्शन करने, अन्वेषण करने एवं सुव्यवस्थित करने के अपने प्रयासों के साथ साथ अनुभाविक सिद्धांत हैं। भाई पहले वाले में क्या है इसमें, तो इसमें तो पहले तो मूल्य के रूप में देखा गया है, विश्लेषणात्मक रूप में देखा है, ऐतिहासिक रूप में देखा है। दूसरे में यहाँ पर आप जब बात करते हो तो यहाँ पर इसका जो विशेष रूप है उसका किसके बारे में, वैज्ञानिक रूप के बारे में इसका यहाँ पर वर्णन करते हैं कि किस तरीके से इसका प्रमाण लगाया जाता है, कि जैसे कि आप देखते हो कि भाई जब ठीक है कोई भी चीज एक्टिविटी करते तो उससे क्या रिजल्ट निकलेगा, ठीक है वो कैसा टेस्ट होगा, जैसे कि आप पानी में नमक मिला देते तो उसे पहले से आपको अंदाजा लगाता है नमकीन हो जाएगा, तो उसी तरीके से इसमें यहाँ पर कुछ घटनाएं पहले से आप अनुमान लगा लेते हैं। यदि हम बात करें राजनीति क्या है, एक प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण है, क्या है प्रतीकात्मक, इनके सिंबॉलिक रूप से उसका हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं रिप्रेजेंटेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं। अपनी प्रकृति में यह राजनीतिक क्रियाकलापों के प्रक्रमों व परिणामों का एक औपचारिक तार्किक व क्रमबद्ध विश्लेषण है,
अब भाई आपको अभी तक इस बात को क्लियर हो गया होगा कि जब हम लोग किसी के बारे में ठीक है बात करते हैं, तो यदि राजनीति के बारे में बात करते हैं तो ये क्या जो क्रियाकलाप होती है, जो एक्टिविटी होती है, उन परिणामों को क्या करते हैं, पहले तार्किक रूप से मतलब यह एनालिसिस किया जाता है और सिक्वेंसली एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है ना। अपनी प्रणाली में यह विश्लेषणात्मक, व्याख्यात्मक तथा विवरणात्मक है। अपने अभिप्राय में यह उसे व्यवस्था, संबद्धता, अर्थ प्रदान करने का कार्य है, जिसका संदर्भ राजनीति के रूप में लिया जा सकता है। तो शायद अब आपको ऑनलाइन में समझ में आ गया होगा, यहाँ पर जो भी हमारे तत्व है, जो भी हमारे परिणाम है, जो भी हमारी एक्टिविटी है, उन सभी का सिस्टमेटिक रूप से जो हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं वो क्या है, हमारा राजनीति है ना। बात करते हैं राजनीति सिद्धांत का अर्थ, तो सबसे पहले अभी तो हमने इसका देखा देखिए प्रस्तावना और उसका थोड़ा सा राजनीति सिद्धांत क्या है। अब इसके अर्थ की बात करते हैं हम लोग, यदि मीनिंग की यदि बात करें तो मीनिंग क्या है इसका, यहाँ पर हम लोग मीनिंग के बारे में डिस्कस करने वाले। सिद्धांत का अर्थ आवश्यक बनाता है जानने के लिए कि राजनीति सिद्धांत वस्तुतः क्या है। पहले जानना कि सिद्धांत क्या होता है। भाई देखिए यहाँ पर राजनीति सिद्धांत की यदि बात करें तो सिद्धांत जो वर्ड है, सिद्धांत की पहले विशेषता देख लेते हैं। सिद्धांत कहाँ से, थ्योरी से जन्मा है। कहाँ से जन्मा है, तो थ्योरी से जन्मा है। और इसका जो देखा जाए तो इसे थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्योरी कहते हैं। कम से कम इसका अर्थ क्या आता है, कम से कम अर्थ हो सकता है किसी बात पर शांत या गंभीर चिंतन अवस्था हो सकते हैं। किसी बात पर शांत या गंभीर रूप से जब चिंतन किया जाता है, मतलब आप शांत हो जाते हो और उसमें आप गंभीर ठीक है डीप तरीके से उसमें आप क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, तो वही क्या कहलाती है, आपकी अवस्था थी। उसे ग्रहण करने अथवा समझने प्राय से डाली गई एक पूर्ण संकेंद्रीकरण मानसिक दृष्टि है। तो शायद आपको थोड़ा सा इस पर क्लियर हो गया होगा, है ना। यदि हम बात करें अर्नोल्ड ब्रेकेस्ट कहते हैं कुछ, क्या कहते हैं, व्हाट इज थ्योरी, व्हाट इज थ्योरी के बारे में जब वो करते हैं तो ये कहाँ से जन्मा है, थ्योरी के विस्तृत और परिमित दोनों अर्थों में जिक्र करते हैं। वो कैसे, पहले विस्तृत करते हैं फिर परिमित। परिमित मतलब होता है छोटा ठीक है, विस्तृत मतलब ब्रॉड। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी बात करते हैं यहाँ पर विस्तृत भाव है, जो बात करते हैं तो वे कहते हैं कि सिद्धांत का अर्थ किसी विषय पर चिंतक की संपूर्ण शिक्षा, जिसमें तथ्य, उसके स्पष्टीकरण, इतिहास की अवधारणा, उसके मूल्य निर्णयों तथा लक्ष्य नीतियों व आधारभूत कारणों का वर्णन होता है। होता क्या है यहाँ पर, जब इसे अर्थ में करते हैं तो मतलब ब्रॉड अर्थ में लेते हैं, बहुत बड़े शब्दों में यदि कहे तो वहां पर क्या किया जाता है, इसमें उसकी जो संपूर्ण शिक्षा होती है, उसके जो तथ्य होते हैं उनका स्पष्टीकरण, इतिहास की उसकी अवधारणा, उसके मूल्य निर्णयों, लक्ष्य नीतियों व आधारभूत कारणों का वर्णन किया जाता है। अब बात करते हैं इसके थोड़ा परिमित भाव में। यदि परिमित भाव में यदि शॉर्ट रूप में इसे देखा जाए तो सिद्धांत का केवल केवल अथवा कम से कम मुख्यतः या व्याख्यात्मक विचार से लगाया जाता है। किसमें, जो व्याख्यात्मक, जिसको हम लोग क्या कहें, व्याख्या कर सके, जिसका वर्णन कर सके। उन्होंने इसी तरीके से अपनी जो पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ ब्रैकेट्स की बात करें, पॉलिटिकल थ्योरी में जो ब्रैकेट्स के द्वारा लिखी है, व्याख्या करना ही सिद्धांत का प्रकार है। मतलब यहाँ यदि बात करें तो व्याख्यात्मक रूप से उन्होंने क्या है, जब हम लोग किसी की व्याख्या करना कहलाता है तो वही सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है, सिद्धांत होता है मतलब किसी चीज का व्याख्या करना, किसी चीज के बारे में वर्णन करना ही सिद्धांत कहलाता है। अब कभी भी आपके से पूछे भाई सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत को आप दोनों अर्थों में बता सकते हैं, एक विस्तृत अर्थ में बता सकते हैं, एक प्रेमित अर्थ में बता सकते हैं। विस्तृत अर्थ में आप इसमें क्या करते हैं कि बहुत सारी चीजों का वर्णन करते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो चिंतन, संपूर्ण शिक्षा, स्पष्टीकरण, इतिहास, अवधारणा, मूल्य निर्णयों, लक्ष्य नीतियों के रूप में वर्णन करते हैं। दूसरा जब बात करें प्रेमित मतलब शॉर्ट रूप में बात करें तो किसी भी चीज का, किसी भी तथ्य का, किसी भी मूल्य का व्याख्या करना ही क्या कहलाता है, सिद्धांत कहलाता है। शायद आपको क्लियर हो गया ना। तो मेरे हिसाब से यदि आपको थोड़ा सा माइंड में आ गया तो आप कोशिश करें, आपके जो टॉपिक है यदि आपको क्लियर हो रहा है तो अपने दोस्तों तक भी पहुंचाने का प्रयास कीजिए। जो दोस्त, जो फ्रेंड इस समय पढ़ने से थोड़ा सा ठीक है अलग हो गए, या फिर जो चाहते कि भाई आगे अपनी तैयारी में कंटिन्यू रहे, अपने यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करके अपने आगे अपने दोस्तों को भी अपना आइडियल बने और अपने आने वाले यूपीएससी के जो एग्जाम्स है, यूपीपीएससी या फिर आपका जो भी यहाँ से रिलेटेड है, उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म करें, तो उसके लिए आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को यदि आपको अच्छा लगे। यहाँ पर हम आपसे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं ले रहे, और यदि आप चाहते हैं पर्सनली पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, है ना। तो वहां पर भी आपको क्लास देने का प्रयास किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इस प्रकार उनके अनुसार सिद्धांत का अर्थ किसी बात को प्रत्यक्ष या अप्रेक्षित अथवा
अनभिज्ञ आंकड़ों अथवा अंतर संबंधों के प्रसंग में स्पष्ट करने हेतु अभिकल्पित प्रस्तावना अथवा प्रस्तावनाओं का एक सेट है ना। मतलब जब हम किसी चीजों को वर्णन करते तो उनका एक क्या कहलाते हैं, सेट कहलाते हैं। सिद्धांत को विज्ञान की परमात्रा के बिना वैज्ञानिक होना पड़ता है, यह अकल्पनीय है, परंतु सिद्धांत परिकल्पना या कहिए तत्व ज्ञान के बगैर उतना ही निरर्थक है जितना कि विज्ञान के बगैर। मतलब यदि बात कहे यहाँ पर तत्व ज्ञान के बगैर उतना ही निरर्थक है जितना कि विज्ञान के बगैर। अब यदि दोनों की बात करें तो सिद्धांत में हम लोग यहाँ पर क्या होते हैं, परिकल्पना और तत्व ज्ञान और विज्ञान दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है, तभी जाके आसानी से सरलता से इसको हम समझ सकते हैं। तो सिद्धांत विज्ञान और तत्व ज्ञानों को विशिष्ट तत्वों का एक सम्मिश्रण है, तो हम यह कह सकते हैं जो ये क्या है, एलिमेंट्स नॉलेज, ठीक है, तत्व ज्ञान और विज्ञान दोनों को साथ लेकर चलेगा तो तभी अपने आप को पूर्ण रूप से परिभाषित कर पाएगा। यदि दोनों को नहीं कर पाएगा या दोनों को साथ नहीं ले पाएगा तो ये इसका क्या करना, हम इसके सोच भी नहीं सकते। तो याद रखिए इसमें हम लोग सिद्धांत में क्या बात करते हैं, विज्ञान और तत्व ज्ञान दोनों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। सिद्धांत व्यवहार नहीं है क्योंकि करने में भी सोचने की आवश्यकता होती है। सिद्धांत में ऐसे परिकल्पना ढांचा निहित होता है जिसका व्यवहार में वस्तुतः अभाव होता है। मतलब यहाँ पर एक परिकल्पनात्मक ढांचा होता है, कैसा होता है, परिकल्पनात्मक मतलब हाइपोथेटिकल या फिर हाइपोथेसिस, इसमें यहाँ पर सोचना जरूरी होता है, परिकल्पना करना जरूरी है, तो उसके बगैर इसका हम लोग यूज नहीं कर सकते। दूसरा, सिद्धांत मात्र व्याख्या नहीं है क्योंकि व्याख्या करना सोचने का एक हिस्सा है। इसके दूसरे भाग में उदाहरण था किसी दृश्य घटना को खोजना, तय करना, बढ़ाना, स्पष्ट करना, गठित करना निहित है। तो देखा ना, बहुत सारे ऐसे अर्थों में लगा सकते हो कि सिद्धांत को क्या कह सकते हैं हम। सिद्धांत क्या है, किसी चीज के बारे में सोचना, किसी चीज के बारे में खोजना, व्याख्या करना या स्पष्ट करना, बढ़ाना या गठित करना, ये सारे अर्थ लगाए। तो सिद्धांत के कई सारे अर्थ हैं, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा सिद्धांत क्या है, तो अब आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। सिद्धांत कल्पना नहीं है क्योंकि प्राकृतिक तथ्यों की एक अस्थायी कल्पना को इंगित करता है, इसी कारण उस स्पष्ट से रहित होता है जो सिद्धांत में सचमुच होती है। निश्चितता, सिद्धांत तत्व ज्ञान नहीं है क्योंकि जबकि सिद्धांत कुछ के विषय में होता है, तत्व ज्ञान सब कुछ के विषय में होता है। मतलब यहाँ पर जो सिद्धांत होते हैं, जबकि सिद्धांत कुछ के विषय में होता है और तत्व ज्ञान का सब कुछ के विषय में होता है। बात समझ रहे हो, मतलब एक छोटा सा पार्ट के बारे में सिद्धांत बताता है, उसके बारे में स्पष्ट करता है, लेकिन जो तत्व ज्ञान होता है वो जो ऑल ओवर पार्ट है, होल ओवर पार्ट है, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन करता है। सिद्धांत विचार नहीं है क्योंकि यह विचार के विषय में चिंतन है और न कि स्वयं में एक संपूर्ण विचार। वास्तव में सिद्धांत वे कारण के बीच काफी कुछ उभयनिष्ठ है क्योंकि वैज्ञानिक होने का दावा दोनों ही करते हैं, फिर भी सिद्धांत कारण के परे विज्ञान के परे देखता है ना। सिद्धांत हम यह कार्ल ड्यूस, ठीक है, कार्ल ड्यूस के बारे में जब बात करते हैं तो कार्ल ड्यूस ने इसमें द नर्व्स ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में अपने यहाँ पर बात की है। तो असंबद्ध आंकड़ों को स्पष्ट करने, व्यवस्थित करने, उनका वर्णन करने का प्रयास करता है, पहचान करता है कि युक्ति संगत है और इसी कारण किसी भी दृश्य घटना में जो बात लुप्त होती है उसे सूचित करता है। प्रक्षेपणीय तथ्यों के आधार पर पूर्वानुमान करता है। सिद्धांत व्यवहार हेतु एक मार्गदर्शक है जो बात वर्णन मात्र होती है उसमें इजाफा करता है, प्राकथन को स्पष्ट करता है और तत्व ज्ञान के एक भाग के रूप में उस विचारार्थ विषय को स्पष्ट करता है जो कि कारण वे अभिदृष्टि दोनों की आवश्यकताओं से मेल खाते हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो असंबद्ध आंकड़ों को स्पष्ट करना, व्यवस्थित करने और उसके वर्णन का प्रयास करना, पहचान करना कि वो युक्ति संगत है या नहीं है, इस कारण किसी भी दृश्य घटना में जो लुप्त होती है उसे सूचित करता है, जो तथ्य होते हैं, जो आधार होते हैं, उनका पूर्वानुमान लगाता है, व्यवहार हेतु मार्गदर्शन देता है, तो वर्णन भी करता है उनका, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। कार्ल ड्यूस के रूप में भी समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कि राजनीति सिद्धांत में निहितार्थ क्या है, कि इसका यहाँ पर क्यों पढ़ते हैं हम, इसका क्या इसका स्पेशल है, ठीक है। सिद्धांत में विज्ञान के साथ साथ तत्व ज्ञान भी नहीं था, ये तो आपको अभी तक अभी बातों से क्लियर हो गया होगा सारी चीजें। इसका मतलब है कि इस पृष्ठभूमि के खिलाफ कहा जा सकता है कि सिद्धांत ही वैज्ञानिक वैदार्शिक दोनों होते हैं। तो यहाँ पर इस बात को आप साधारण सिंपली समझ सकते हो कि क्या है जो राजनीति सिद्धांत है वो क्या है, विज्ञान भी है और दर्शन भी है। एक सिद्धांती वैज्ञानिक के मुकाबले कहीं अधिक होता है, वह दार्शनिक से भी अधिक होता है। जो सिद्धांती है वो क्या कहते हैं, एक वैज्ञानिक के मुकाबले कहीं अधिक होते हैं, एक दार्शनिक से भी अधिक होता है। जो सिद्धांती होता है मतलब जब सिद्धांत के अंदर विज्ञान भी है और साइंस भी है, तो दोनों से अधिक हुआ ना भाई, जब दोनों इसी के अंदर समाहित किए जा रहे हैं तो इसको कहीं प्रबल माना जाएगा।
राजनीति के में प्रयुक्त किए जाने पर सिद्धांत को समझने का अर्थ होगा राजनीति को एक सिद्धांत के रूप में, एक विज्ञान के रूप में और तत्व ज्ञान के रूप में भी समझना। मतलब यहाँ पर हम जब बात करते हैं तो राजनीतिक सिद्धांत को समझने के लिए हमें यहाँ पर तीनों रूप में समझना होगा। राजनीति को एक सिद्धांत के रूप में भी समझना है हमें, तत्व ज्ञान के विज्ञान के रूप में भी समझना है, और तत्व ज्ञान के तीनों के रूप में हमें समझना होगा, तब जाके हम इस पर अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ शब्दों में ब्लोहम कहते हैं इस प्रकार राजनीति सिद्धांत को ऐसे स्पष्ट करते हैं, राजनीति आखिरकार जो है उसकी एक व्याख्या, राजनीति जगत का एक सामान्य बोध, एक आचार विचार आदि संबंधी मानक। इसके बगैर हम किसी घटना को राजनीति रूप में पहचानने, वह क्यों हुई के विषय में कुछ भी तर्क कर पाने, वह अच्छी थी या बुरी का निर्णय कर पाने अथवा यह निर्धारित कर पाने कि आगे क्या हो सकता था, असमर्थ रहते। एक सिद्धांत हमें यह में स्थापित करने में मदद करता है कि राजनीति की किसी घटना विशेष में क्या हो रहा है, वह हमें कोई घटना क्यों घटी या बात स्पष्ट करने में और भावी घटनाओं का पूर्वानुमान करने में मदद करता है। सिद्धांत क्या हो रहा है मूल्यांकन करने और हमारे राजनीतिक विकल्पों का सिद्धांत में अंडरस्टैंड करने। अब बात करते हैं यहाँ पर सिद्धांत में विज्ञान के साथ साथ तत्व ज्ञान भी निहित होते हैं, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पर विकल्पों का सिद्धांत में विज्ञान के साथ साथ तत्व ज्ञान भी निहित होते हैं। इसका मतलब यह है कि इस पृष्ठभूमि के खिलाफ कहा जा सकता है कि एक सिद्धांती वैज्ञानिक दार्शनिक दोनों होता है, सिद्धांती वैज्ञानिक के मुकाबले कहीं अधिक होता है, दार्शनिक से भी अधिक होता है। मतलब आप ये कह सकते हो बहुत सारी चीजें समझने आसान हो गया अब आपके यहाँ पर, उसी बात को हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ा के लिखा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं सिद्धांत हमें यह तात्पर्य स्थापित करने में मदद करता है कि राजनीति किसी घटना विशेष में क्या हो रहा है, वह हमें कोई घटना क्यों घटी यह बात स्पष्ट करने में और भावी घटनाओं का पूर्वानुमान करने में मदद करता है। सिद्धांत क्या हो रहा है का मूल्यांकन करने और हमारे राजनीति विकल्पों का मार्गदर्शन करने हेतु एक साधन भी है। राजनीति सिद्धांत का काम सचमुच महत्वपूर्ण है। मतलब आपने देखा कि कितना सारा महत्वपूर्ण है, कि इतनी सारी इंपोर्टेंस है राजनीति सिद्धांत की। अब ब्रैकेट, इसके ब्रैकेट भी कुछ कहते हैं यहाँ पर, इस पर गौर करते कहते हैं कि यह प्रकार राजनीति सिद्धांत का है कि समाज के राजनीति जीवन के तत्काल व संभावित समस्याओं को दूसरों से पहले देखें, दूसरों की अपेक्षा अधिक गंभीरता से विश्लेषित करें, उन वैज्ञानिक कार्य प्रक्रियाओं के साथ साथ जिनसे होने वाले प्रत्याश योग्य परिणामों पर पूरी तरह से सोचा जा चुका है, यथापूर्व अग्रिम रूप से व्यवहारिक राजनीति को की कमी पूरी करें। उसे न सिर्फ प्रतिभाशाली विचार ही वरन ज्ञान का वह ठोस आधार भी प्रदान करे जिस पर निर्माण करना है। अब देख रहे हो कि ब्रैक यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं, एक प्रकार राजनीति सिद्धांत समाज के राजनीति जीवन के तत्काल संभावित समस्याओं को, यहाँ पर राजनीति जीवन के जो तत्कालिक समस्या मतलब जो प्रेजेंट समस्या है और जो आने वाली जो समस्या है संभावित समस्या है, जो हो सकती है उसको दूसरों से पहले देखे, मतलब जो दूसरे देख रहे हैं उससे पहले कहीं ज्यादा पहले देख ले तो राजनीति सिद्धांत का इम्पोर्टेंट और देख मानी जाएगी। अब यही नहीं, दूसरों के अपेक्षा अधिक गंभीरता से विश्लेषित करें, मतलब जो लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं एनालिसिस कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा डीपली यदि इसे विश्लेषित करे एनालिसिस करेगा तो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। उन वैज्ञानिक कार्य प्रक्रियाओं के साथ उनसे होने वाले योग्य परिणामों का पूरी तरह से सोचा जा चुका, मतलब जो उसका परिणाम होगा रिजल्ट होगा उसके बारे में ज्यादा सोचेगा तो आसानी से उसका आपको सफलता से किया जा सकता है। यथापूर्व अग्रिम रूप से व्यवहारिक राजनीतिकों की कमी पूरी करें, उसे न सिर्फ प्रतिभाशाली विचार ही वर्णन ज्ञान का वह ठोस आधार भी प्रदान करें जिस पर निर्माण करें। मतलब यहाँ पर इसको एक तरीके से कहा जा सकता है कि डीपली अंडरस्टैंड करना है समझना है तो तभी जाके इसका वैल्यू सुनना है। तो अब शायद आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि ये आपको टॉपिक क्लियर हो रहा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि अपने जो दोस्त आपके जो फ्रेंड है वो भी आपके साथ इसमें ज्ञान को ठीक है प्राप्त कर सके। जब राजनीति सिद्धांत अपने कार्य को भली भांति निष्पादित करता है वह आगे कहते हैं मानवता के विकास हेतु वह हमारे संघर्ष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शास्त्रों में से एक होता है। मतलब जब आप समझते हैं ना मानवता के विकास हेतु वह हमारे संघर्ष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शास्त्रों में से एक होता है। अब ये देख रहे हैं ना, मतलब यह है जब इस प्रकार से जो कार्य करते हैं तो क्या होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, वही आप तरीके से जो समाज में बढ़ चढ़ के सबसे आगे कार्य करता है सभी की भलाई के लिए कार्य करते हैं, आप भी देखते हो ना उसको सब लोग क्या करते हैं
वैल्यू देते हैं, उसके साथ सभी दोस्ती रखते हैं, सब लोग उसके प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, कोई भी समस्या होता है तुरंत उसको बुला लेते हैं। तो बिल्कुल हमारे समाज का भी यही है, बिल्कुल हमारे जो राजनीति सिद्धांत है उसका भी काम यही है। ठीक, अब इम्पोर्टेंट रूप में यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है उनको यहाँ पर समझ लिया जाएगा, उनसे अंडरस्टैंड हो जाएगा सारा निचोड़ अब तक हमने क्या पढ़ा, सिद्धांत क्या होता है अथवा राजनीति सिद्धांत क्या है। पर चर्चा हमें राजनीति सिद्धांत के जो लक्षण होते हैं उनको देखने से हमें पता चल जाएगा, उनसे पहचान लेते हैं। पहला देखिए, वह क्षेत्र जिसमें राजनीति सिद्धांत काम करता है, ठीक है, केवल राजनीति के क्षेत्र और नागरिक का राजनीति जीवन, उसका राजनीति व्यवहार, राजनीति विचार, वह सरकार जो वह स्थापित करने में के प्रयास में है, और इस प्रकार के किसी सरकार से प्रत्याशित कार्य तक फैला। मतलब राजनीति सिद्धांत क्या है, वो सारी चीज जो कि राजनीतिक नागरिक के जीवन से संबंधित हो, चाहे वो नागरिक का राजनीति जीवन क्या है, राजनीति व्यवहार क्या है, उसके विचार क्या है, वह सरकार से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, वो कैसे सरकार को स्थापित करता है, कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये सभी कहाँ इसमें राजनीति सिद्धांत में आते हैं। वे पद्धतियां जो राजनीति सिद्धांत अपनाता है में शामिल राजनीति दृश्य घटना का वर्णन, व्याख्या, अन्वेषण, मतलब राजनीति सिद्धांत की बात करें, वर्णन करना, व्याख्या करना, अन्वेषण करना आदि इसमें शामिल है। राजनीति सिद्धांत पूर्णतः इस बारे में कि राजनीति क्या है, फिर भी यह राजनीति को सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, पारिस्थितिकी, नैतिक इत्यादि के संबंध में समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो मतलब ये सारे राजनीति क्या है, राजनीति को सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक रूप में समझने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, पारिस्थितिक रूप से, नैतिक रूप से समझने का प्रयास क्या कौन करते हैं, राजनीति सिद्धांत करते हैं। किसे, राजनीति को। वह लक्ष्य जो राजनीतिक सिद्धांत प्राप्त करने की चेष्टा करता है वह है एक अच्छे समाज में अच्छे राज्य का निर्माण करना। इस प्रक्रिया में ऐतिहासिक रूप से कसौटी पर कसे युक्तियुक्त रूप में हासिल प्रक्रियाएं और कार्यविधि संस्थाएं प्रधान जन्म लेते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर वे लक्ष्य जो राजनीति सिद्धांत प्राप्त करने की चेष्टा करता है वह है एक अच्छे समाज में एक अच्छे राज्य का निर्माण, और इस प्रक्रिया में ऐतिहासिक रूप से कसौटी व कसे हुए युक्तियुक्त रूप से हासिल प्रक्रियाएं कार्यविधि संस्थाएं प्रधान जन्म लेते हैं। तो ये तो आज का हमने देखा टॉपिक्स, और इसके साथ में हम आगे भी बढ़ेंगे, आगे भी करेंगे कंटिन्यू। उससे पहले हम लोग आज के यहाँ पर जो फिफ्थ और सिक्स पॉइंट देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे यहाँ पर, है ना। तो आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए, आपको वीडियो रिकॉर्ड लेक्चर कंटिन्यू मिलते रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखते हैं अब फिफ्थ पॉइंट क्या कहते हैं। एक विचार वस्तु के रूप में राजनीति सिद्धांत राजनीतिक घटना दृश्य की व्याख्या करने, मूल्यांकन करने व पूर्वानुमान करने का प्रयास करता है, और इस प्रक्रिया में न सिर्फ वैज्ञानिक रूप से जांच योग्य मानदंडों की रचना का निर्माण करता है बल्कि मानव व्यवहार के नियमों के रूप में मूल्यों का भी सुझाव देता है। एक विचार वस्तु के रूप में राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीतिक घटना दृश्य क्या है कि व्याख्या करने, मूल्यांकन करने व पूर्वानुमान करने का प्रयास करता है, है ना। तो यहाँ पर आपने देखा तो राजनीति सिद्धांत व्यवस्थाकारी और व्याख्यात्मक दोनों, तो ये एक व्यवस्था भी करता है। राजनीति सिद्धांत का मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो व्यवस्था करना, सिस्टमेटिक तरीके से उनको लगाना, फिर उनका एक्सप्लेनेशन करना, उनका विवरणात्मक उनका वर्णन करना, तो ये इसका राजनीति सिद्धांत का मेन मुख्य उद्देश्य है, है ना। तो राजनीति सिद्धांत की अंतर्वस्तु क्या है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और फिर हम इसके बारे में प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट सिद्धांत में, नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर इसके बाद में इतिहास के रूप में, और फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं दर्शन के रूप में, और यहाँ पर इन्हें अलग अलग विज्ञान के रूप में सबको अलग अलग क्लास में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यदि आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझ में आ रहा है तो आप कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ में, और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, हम लोग भी आपके साथ यहाँ पर कंटिन्यू बने रहेंगे। तो आज का लेक्चर कैसा लगा, कोई कमी रही है, किसी प्रकार के यदि चेंज करना है, कोई इसमें डेवलपमेंट करना है, तो आप हमें यहाँ पे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताइएगा, ताकि हम लोग आपके लिए कुछ नया लेकर आ सके, है ना। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।